हेलो, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं इसमें आपको सिखाने वाली हूँ कि अगर आपका कोई लॉन्ग कमीज़ है, शर्ट है या लॉन्ग टी शर्ट है जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है। मैं इसमें आपको अपनी एक लॉन्ग टी शर्ट आपको शॉर्ट करके दिखाऊंगी। आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको कट करके सिलाई करना है। तो ये मेरी एक लॉन्ग टी शर्ट है। ये काफ़ी लंबी है, इसलिए मुझे इसको शॉर्ट करना है। इसकी मैं सिर्फ लेंथ कम करूँगी। ये टी शर्ट का कपड़ा है, इसे वो खिंचाव वाला कपड़ा होता है, इसकी सिर्फ लेंथ कम करनी है। और मुझे इसकी लेंथ, ये मेरा टॉप है, इसके बराबर की करनी है। सबसे पहले ये मैंने टी शर्ट को इस तरह लेंथ में बिछा के उसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इसको भी इसी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर बिछा देना है। इसको अच्छे से इस तरह से इसके ऊपर बिछा लेना है। इससे इसको मैं इतना और लंबा रखूँगी। ये वाला जो टॉप है ये गोलाई में है, मैं भी इसको गोलाई में ही कट करूँगी। आप स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। तो ये यहाँ से जो बंद साइड होती है, यहाँ से गोलाई जिस तरह ये टॉप में है ही वैसे ही करती मैंने। अगर स्ट्रेट टॉप है तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं, अगर गोलाई में देना चाहते हैं तो आप गोलाई भी थोड़ी सी इसको दे सकते हैं। तो इतना मैं इसको लंबा रखूँगी। उसके बाद इतना मार्जिन इसका सिलाई में भी जाएगा। तकरीबन मैं इसको 1.5 इंच रख लेती हूँ। 1.5 इंच इसका जो 1.5 इंच इसका जो फोल्डिंग में जाएगा, इतना तो मुझे यहाँ से कट करना है। ये देखो, यहाँ से कट हो गया है। अब मैं इसको सिलाई करके बताऊँगी। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो सिलाई है अंदर की ओर है, टी शर्ट मैंने उल्टी की हुई है जहाँ अंदर की ओर सिलाई लगानी है। तो 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखा था इसको फोल्ड करने का। 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके 1 इंच इस तरह की पट्टी बननी चाहिए जो इसको टी शर्ट को एक अच्छी लुक देगी। तो इसलिए मैंने 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा कट किया था ताकि 1 इंच की पट्टी इस तरह से दिख सके। तो अब मैं इसको सिलाई लगाती हूँ। ये क्योंकि टी शर्ट का कपड़ा है, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, तो इसको बहुत ही आराम से जहाँ पे ये जैसे सेट आती है इस तरह इसकी फोल्डिंग करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। क्योंकि एक बार जहाँ से भी आपने इसको खींच दिया वहाँ से बहुत ही अजीब दिखेगा, सिलाई बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये जो कपड़ा रहता है टी शर्ट्स का, ये बिल्कुल अलग होता है, इस पे सिलाई लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए इस तरह इसको खींचना नहीं है। तो बिल्कुल आराम से लूजिंग में छोड़ते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ, अगर आपकी सिलाई अच्छी नहीं आ रही है टी शर्ट के कपड़े पे, तो इस तरह कोई भी पेपर इस तरह नीचे रख के उस पर सिलाई लगाओ। एक पेपर का पीस ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे कंफर्टेबल लग रहा था तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ सिलाई। तो बाद में इसको इस तरह से पेपर को निकाल देना है, तो बहुत ही अच्छी सिलाई आती है इस तरह से। तो इस तरह आराम से सिलाई लगाते जाना है। इसकी नीडल्स भी अलग अलग होती हैं, अलग कपड़े की सिलाई के लिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने इसी से ही लगा दी। किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सुई कौन से कपड़े पर लगानी चाहिए।
तो सिलाई ये मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो ये जो मैंने पेपर से लगाई थी सिलाई, इसको इस तरह से निकाल देना है। और जहाँ पे मैंने पेपर रख के सिलाई लगाई थी ना, वहाँ पे बहुत अच्छी सिलाई आई है। सिलाई लग चुकी है, ये देखो इस तरह से बिल्कुल अच्छी सिलाई लगी है और गोलाई में आई है यहाँ से जो मुझे चाहिए थी। तो ये देखो स्ट्रेट ऐसे होता है, इतनी ये गोलाई में आई है। आप भी इस तरह कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।